ग्रामीण अंचलों में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है और कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश के बाद 3 जोन में ग्रामीण अंचलों और कस्बाई अंचलों को बांटा जाएगा, जिसमें ग्रीन जोन में वो ग्राम और कस्बा रखे जाएंगे जिनमें कोई भी मरीज नहीं है, और यदि 3 कोविड के मरीजों से ज्यादा मरीज हैं तो उनको ऑरेंज जोन में रखा जाएगा, और जहां पर और भी ज्यादा मरीज हैं उनको रेड जोन में रखा जाएगा, और उनको रेड जोन से ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसको लेकर के जबेरा विधानसभा के जबेरा और तेंदुखेड़ा का निरीक्षण कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा किया गया और क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनाते हैं। खाना पीना ये वो लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शांति ये उस तरीके से मैनेज है। मैं बात करता हूँ कि कोई मैंने किया है। तो हर तीसरे दिन फिर ये सर्वे होता रहे जबेरा में, नोटा में, बहोरी में, और ये मतलब 3 से 3 और 3 से ज़्यादा वाले को आप पकड़िए, और सिंग्रामपुर और रोड सिंग्रामपुर में भी आपके केस बने ही रहते हैं के कारण से। हाँ, की 8-10 हज़ार और नोटा की 5-6 हज़ार होगी, 7 हज़ार। तो 10-10 टीम अगर अपनी लग जाएगी तो कर लेगी, हैं, और टीम बढ़ानी पड़ेगी अपना सुपरवाइजर, ठीक है, वो 2-2 वार्ड को मॉनिटरिंग करे कि भाई ये कैसा सर्वे अच्छे से हो, रैंडमली हो, प्रॉपर रजिस्टर बने और हर व्यक्ति का हो, ठीक है। एसपीओ नापने का है क्या सर्वे दल के पास? तो वो जो जिनको बुखार है या जो बोल रहा है कि 5 दिन पहले मेरे को बुखार रहा है, जो तुम्हारा किट कोरोना का निर्देश है उसका वो क्या कहते हैं एसपीओ भी लेना है आपने, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसे लोगों को आपको किट देनी है। कल तो जैसे अब मैं तेंदुखेड़ा का ये मैं देख रहा हूँ, इन्हें बना लिया है, मैंने इनसे जानकारी बनवाई है कि अपने आप आज बता रहे हो आज 15 केस एक्टिव है आपके तेंदुखेड़ा में, ग्रामीण नहीं, ग्रामीण कितने हैं कि हम किस तरीके से जो गांव में कोरोना के केसेस नए निकल रहे हैं या पिछले निकले हुए हैं उनको क्या कहते हैं केसेस को कम करें, और हम अपने सभी गांव ग्रीन जोन में लेकर के आएँ, राज्य सरकार के ऐसे हमको निर्देश मिले हैं, और उसी क्रम में हमने आज ये जबेरा और तेंदुखेड़ा की व्यवस्था की तैयारियों की बैठक ली है, जिसमें हमने 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक तो हमारे CCC बहुत अच्छे से चलें, और हमारा प्रयास ये रहे कि जैसे हमारे हम ये मान करके चले जैसे हमारे कोई परिजन वहाँ पर एडमिट हैं, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी उसी हिसाब से उनको हम सहयोग दें, और दूसरे स्तर पे हम केसों की संख्या को कैसे घटाएं। हमने जिले के गांव को हम 3 जोन में बांट रहे हैं जिनमें कोई केस नहीं है उनको ग्रीन जोन में, और जहाँ ऐसे गाँव जहाँ पर 3 से कम केस हैं एक्टिव केस तो उनको हम येलो जोन में, और 3 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले गाँव हमारे रेड जोन में रहेंगे। तो हमारा प्रयास है कि इनका जो रेड जोन वाले गांव हैं वो येलो जोन में कन्वर्ट हो जल्दी और येलो जोन वाले ग्रीन में हो, उसी के लिए हमने ये तैयारी के संबंध में बैठक ली है। देखिए उन लोगों के खिलाफ हमने बोला है कि यदि किसी के परिजन कोविड पॉजिटिव व्यक्ति या तो घर से बाहर निकल रहा है तो उसको हम ना केवल उसके खिलाफ हम आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे बल्कि उसको हम कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे, और यदि परिजन भी बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम आपराधिक कार्रवाई करेंगे, और इसके साथ ही उनको भी फिर हम कोविड केयर सेंटर में भर्ती करेंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया किस तरह से बनेंगे सर? कंटेनमेंट एरिया का हमने बोला है कि जहाँ पे एक ही गांव में एक ही केस है तो उसके आसपास के 4-5 घरों को मिलाते हुए कंटेनमेंट एरिया बनाएं, वहाँ पर डेली हम सर्वे करें, और सर्वे करने के बाद में जो ILI सारी के केसेस हमको मिल रहे हैं उन केसेस को हम लगातार उनकी मॉनिटरिंग करें डेली, और शहरों में या बड़े गाँव में जहाँ पर 4-5 केस एक साथ है तो किसी मोहल्ला या बस्ती को हम लोग कंटेनमेंट एरिया के रूप में बनाएंगे।